उज्जैन जिले के ग्राम नायन में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही नज़ारा नायन में देखने को मिला। जब हमारी न्यूज़ टीम अपनी न्यूज़ कवरेज करने पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। मीडिया ने कवरेज करने की कोशिश की तो उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई। हम अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़े तो हमने देखा कि रेत माफियाओं ने अपना साम्राज्य बड़ी मात्रा में फैला रखा है। हमें देख सभी लेबर इधर उधर भागने लगे। पूरी नदी को खोद कर छलनी छलनी कर रखा था और लेबर अपना रेत निकालने का काम कर रही थी, जिसकी सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा था, क्यों प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं पड़ी, या फिर इनकी मिलीभगत से सब चल रहा था। अब जनता है तो पूछेगी तो सही कि क्यों राजस्व विभाग को इतने बड़े तरीके से चूना लगाया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इन पर ठोस कार्यवाही कब करता है। SDM RP वर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि सभी पत्रकारों को बुलाकर पूरा मामला संज्ञान में लेकर त्वरित और कठोर कार्यवाही की जाएगी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आज आपको पकड़ ले तो मतलब आप आज ही आए हो ड्राइविंग पे, नहीं तो मतलब वो क्या कभी कौन जाम बोल ले। गाड़ी नंबर भी नहीं है इस पे तो। गाड़ी नंबर होना चाहिए वैसे। गाड़ी नंबर तो होना चाहिए ना, आजकल तो आम बात होगी। वैसे बिना इसके तो आपकी गाड़ी थाने में भी खड़ी करवा सकते हैं।